सिंध के साबक वजीर आला और सिंध नेशनल फ्रंट के सरबरा मुमताज़ अली भुट्टो से मिलने उनके गांव मीरपुर भुट्टो पहुंचे। वो सुबह सुबह तैयार होकर शिकार के लिए रवाना हो रहे थे। आपने लंदन में तालीम हासिल की, बड़े शहरों में रहे, उसके बाद देहात में रहना कैसा लगता है? देहात की ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद है। तालीम वगैरह तो मैंने बड़े शहरों में हासिल की, लेकिन मैं पैदा देहात की हूँ। जिस गांव से अभी निकले हैं मैं वहाँ ही पैदा हुआ था, और मेरे तालीम की इब्तिदा भी गांव के स्कूल से हुई। और उसके अलावा क्योंकि हमारी ब्रेड एंड बटर जो है वो देहातों में है, तो मैं बहुत, और फिर यहाँ देहातों का शुगल शिकार वगैरह ऐसी बातें वो भी मुझे शौक है। उनकी शिकारगाह में पहुँचे जिसके एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खेत और दरमियान में शिकार के लिए खुला मैदान था। आज की जदीद सोच के मुताबिक शिकार को गैर इंसानी और वहशियाना खेल समझा जाता है। आप जैसा तालीम याफ्ता शख्स इसमें क्या मज़ा लेता है? ये तो हर एक के सोच की बात है जी। वैसे तो मुर्गी खाना और अंडा खाना भी गैर इंसानी अमल समझा जाता है, तो ये तो अब पूरी दुनिया में शिकार भी हो रहा है, उसके मुखालिफ भी हैं। जो सिविलाइज कंट्रीज़ हैं उनमें शिकार होता है, हज़ारों की तादाद में परंदे मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं। तो ये जो सोच का फ़र्क है, ये तो न सिर्फ शिकार के सिलसिले पे लेकिन ज़िंदगी के हर शोबे में ये है ही। कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पास टाइम है, किसी को कोई इससे तकलीफ़ नहीं पहुंचती, कोई रुकावट पैदा नहीं होती। हम जंगल में चले जाते हैं, सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेट पर करते हैं वो भी शौकीन हैं, वॉलंटियर्स हैं, ना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। और मुझे ये बचपन से शिकार है, इसी माहौल में मैं छोटा होकर बड़ा हुआ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी माहौल में मैं मरूँगा, क्योंकि बाकी जो माहौल इस मुल्क में पैदा हुआ है उससे तौबा बेहतर है। क्या शिकार के भी कोई असूल और ज़वाबत होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रूल्स हैं। तो ये रूल है कि छोटे या बच्चे पे या मादी पे कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे, उनको नहीं मारा जाएगा, और जो बड़े हैं उन पे भी सिर्फ चार कुत्ते, और उसको भी भाग जाने का मौका देना चाहिए, जान छुड़ाने का मौका देना चाहिए। और ये गलत तासर है कि शिकार करने वालों ने वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया है। शिकार करने वाला प्रिजर्व करता है वाइल्ड लाइफ को, सिलेक्टिव हंटिंग होती है। जरी ज़मीनों में वाके फार्म हाउस मंजिलगाह पहुंचे। नाश्ता भी वहीं किया। सत्तर साल उम्र होने के बावजूद आप अभी तक पूरी तरह चाको चौबंद हैं, क्या आप अपनी खुराक में कोई ख़ास किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, बल्कि मैं बहुत हल्का और चिकनाई से
पाक खाने खाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ज्वार की रोटी शामिल है, जिसकी खसूसियत ये है कि उसमें कोई खसूसियत नहीं, वो सिर्फ फाइबर है। और कोई ख़ास बात ऐसी कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब भी 98 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया, और आखिरी वक्त तक वो बहुत फिट थे, यानी उनका वज़न वगैरह बिल्कुल वो आइडियल था। तो नस्ल का भी फ़र्क पड़ता है। पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा हमारे यहाँ एक मुर्गी पकती है मसालों के साथ और अंगारों पे, वो हमारी स्टेपल डाइट है। और मेरे ख़ानदान में दाल को बहुत पसंद करते हैं सब, और हमारे यहाँ जो दाल बनती है वो कहते हैं ऐसी है कि मुर्दा खाए तो जिंदा हो जाए। उनकी ज़मीनों के बीचों बीच दरियाए सिंध बहता है, वहाँ कश्ती रानी की। सिंध की धरती हो या दरियाए सिंध, इससे बहुत से रोमांस वाबस्ता हैं। आप कितने रोमांटिक हैं? ये सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ की धरती है, उनकी शायरी में ये दरियाए सिंध जो है इसका बड़ा किरदार है। लेकिन हालात ऐसी बन गई हैं कि ये धरती भी दम तोड़ रही है तो ये दरिया भी दम तोड़ रहा है। आजकल रोमांस इन दोनों में बहुत कम रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में कितने रोमांस किए? ये तस्वर पैदा करते रहे हैं कि जो भुट्टोज हैं वो बड़े रोमांटिक लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि न किसी से कम है न किसी से ज़्यादा है। आम तासुर है कि सिंध के जागीरदार बहुत शादियाँ करते हैं, आपने कुल कितनी शादियाँ की? शादियों की रेस में तो मेरा ख़्याल पंजाब और कुछ हमारे दोस्त अवलियत ले जाते हैं, उनसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पहली शादी जो ख़ानदान में से थी वो 33 साल चली कायम रही, जिसके बाद मेरी बीवी ने इंतकाल किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी शादी की जो 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी। अब मेरी तीसरी और आखिरी शादी है जिसको 8 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। साबक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जुल्फकार अली भुट्टो के साथ किया, बाद में आपके पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात भी हुए। अब इतने साल गुजरने के बाद आप जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलू कौन से देखते हैं? वो एक बहुत बड़ी बैन अलाक़वामी लेवल की शख्सियत थी, उस जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने वक्त का दुनिया का टॉप लीडर था, और इस वक्त हमें उसके दर्जे या कैलिबर का आदमी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मेरा उस्ताद था, मैंने सब कुछ उससे सीखा, और उससे बेहतर उस्ताद मुझे यकीन है कि दुनिया में मुझे नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वक्त सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया तो वो जुल्फकार भुट्टो का। लेकिन फिर उसकी कोई किस्मत ऐसी थी, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ कमज़ोरियां भी थी, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया और उसको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन ये बात अब वाज़े हो चुकी है
कि जहाँ जब तक ये मुल्क है और इस मुल्क में सियासत है तो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नाम चिटानों पे नज़र आएगा, आसमान पे लिखा हुआ नज़र आएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल के दिनों में आपने उन्हें छोड़कर बेवफाई की थी? बिल्कुल गलत है। जेल के दिनों में हम उनके साथ रहे, आखिरी वक्त में मेरे सिवा और कोई नहीं था जेल के दरवाजे पे, मैं अकेला था। हालांकि पूरा अरसा मैं भी जेल में रहा और उनके कत्ल से सिर्फ 20 दिन पहले मैं जेल से निकला था और सीधा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचा और दरवाजे पर मौजूद रहा। उसके बाद भी हम 9 साल पीपल्स पार्टी में रहे, बेनज़ीर के साथ रहे और अक्सर अरसा जेलों में गुजारा। और जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इक्तदार की सियासत करेगी तो तब हमारे रास्ते अलग हुए, वरना हम आज भी भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मीरपुर भुट्टो वापस पहुंचे, दोपहर का खाना खाया, घर में उन्होंने अपनी पार्टी के अराकीन का इजलास बुला रखा था। उन्होंने घर के अंदर हिरन भी पाल रखे हैं। घर के करीब वाके जमीनों पर गए, कई हलकों में यह तासुर है कि सिंध और पंजाब के जागीरदारों की ज़मीन ज़री असलाहत के बावजूद कम नहीं हुई। आपकी ज़मीन कितनी है? हमारी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी, कोई 60-65 हज़ार एकड़ के करीब पूरी फैमिली की। लेकिन जो अयूब खान के ज़री असलाहत थे 58-59 के, उसमें हमारी 40 हज़ार एकड़ ज़मीन सरेंडर हुई है। अब हमारे पास तो कोई 5-6 हज़ार एकड़ ज़मीन है, तो वो जो लाइफस्टाइल वगैरह जो पहले हुआ करती थी वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता। कहाँ सिंध के दूर अफ्तादा गांव में रहने वाला जागीरदार और कहाँ किताबों का शौक, ये तो बड़ा तजाद है। नहीं, लोगों को किस्म किस्म के शौक होते हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे सिर्फ शिकार और किताबों का शौक है। किस किस्म की किताबें ज्यादा शौक से पढ़ते हैं? मैं ज्यादा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी, करंट अवेंट्स में ज्यादा शौक रखता हूँ, लेकिन फिक्शन भी मैं पढ़ता हूँ। उनके ड्राइंग रूम में अबाव अजदाद की तस्वीरें लगी हुई हैं। रात के खाने का पुरतकल्लफ इंतजाम था। आजकल आप हर वक्त मुहाफ़िज़ों को साथ रखते हैं, आपको किससे खतरा है?
ये आजकल की बात नहीं है, ये यहाँ की ज़िंदगी का तरीका है, यहाँ की सकाफत और रस्म रवाज का हिस्सा है। लेकिन अब तो ये ज़रूरत बन गई है, इसके बगैर तो कोई देहातों में चल नहीं सकता। किसी की लाइफ कहीं भी सिक्योर नहीं है। सिंध में लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोग्राम है उसने गवर्नमेंट को डिफीट किया हुआ है। जब आप पहली बार सिंध के वज़ीर-ए-आला बने तो उस दौर में सिंधी और उर्दू लसानी फसादात का आगाज़ हुआ, ज़िम्मेदार कौन था? ज़िम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने फसादात किए, और खामखा एक तयशुदा बात पे जो अंग्रेज़ों के वक्त से तय थी कि सिंध की जो सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो सिंधी होगी। वो पहले ही ये लसानी जो ये हंगामे हुए या बिल पास हुआ उससे पहले ही वो कोर्टों में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इस्तेमाल होती थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो थे वो आज तक सिंधी में हैं। तो उस वक्त एक डिमांड था कि सिंधी को सिंध की सरकारी ज़बान बनाओ, जबकि उर्दू कौमी ज़बान बन चुकी थी। आपके हामी आपको दहीसर यानी दस सरों वाला कहते हैं, आपने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी वजह से ये खिताब मिला? ये तो मजमूई तौर पे जो 2-2.5 साल मैंने सिंध पे चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए उसका नतीजा है। लेकिन खसूसन एक असेंबली में मैंने बात की थी यही लैंग्वेज बिल के पास होने के बाद, कि एक कोई उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी उसका कोई मेंबर था हैदराबाद का, उसे उस्मान केनेडी कहते थे, तो उसने उसका कोई बयान आया था अखबार में कि हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बाद में उसने इनकार किया कि मैंने ये बयान नहीं दिया है, लेकिन उस वक्त उसी दिन ये बयान आया था। तो मैंने जवाबन असेंबली में तकरीर के दौरान ये कहा था कि मैंने जो कुछ कर रहा हूँ मैं सिंध के भले के लिए कर रहा हूँ, और उसमें अगर एक सिर है वो चला जाए तो क्या बात है, 10 सिर होते तो वो भी मैं कुर्बान कर देता। तो दूसरे दिन फिर अखबारों में ये सुर्खियाँ लगी दहे सर की। तो मुझे बड़ा फख्र है इस बात के। सियासत के आगाज़ में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से कौमी सियासत करते रहे, फिर आपने सिंधी बलोच पश्तून सियासत की, अब आप सिंधी सियासत तक महदूद हो गए हैं, तो ये आपका दायरा कार घटता जा रहा है? नहीं, घटता नहीं जा रहा, ये हकीकत पसंदी पे मबनी है। यहाँ कोई माने ना माने वो वफाकी सियासत नहीं चल सके, वो फेल गई है। आज जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार वफाक है। ये मुल्क कसीर अल कौमी मुल्क है, कोई माने ना माने यहाँ मुख्तलफ कौमें हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी, अपने अख्तियारात दिए, अपने लोग दिए, अपनी इकॉनमी दी और मिलकर एक मुल्क बनाया। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होकर वो पाकिस्तान में आकर किसी लोकल अंग्रेज़ का वो ग़ुलाम बन जाएंगे। तो अब वो 55-56 साल के तल्ख तजर्बे के बाद अब ये बात नहीं चलती। हर एक को अपने इलाके की बात करनी पड़ती है। पंजाब के अक्सर लोग समझते हैं कि काला बाग डैम उनके मुफाद में है, आप इसके मुखालिफ क्यों हैं? हम मुखालिफ इसलिए हैं कि सिंध बर्बाद और तबाह हो जाएगा। पंजाब का तो उसमें मुफाद हो सकता है, लेकिन सिंध की बर्बादी और तबाही से पाकिस्तान का नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी सिंध के ख़ज़ाने पे चल रहा है। 75-76% जो वफाक और मुल्क की इनकम है वो सिंध से वसूल होती है। अगर सिंध तबाह हो गया तो पाकिस्तान कैसे चल सकता है? 80 की दिहाई में आप 1973 के आइन को ना मानने की बात करते थे, लेकिन 1996 में
बतौर निगरान वज़ीर आला आपने उसी आइन के तहत हल्फ उठा लिया, ये तो सरासर मसलियत थी। सियासत में मसलियत पसंदी तो यहाँ का मामूल बना हुआ है। आजकल की के जो हुक्मरान हैं और वो जो अपोजिशन है वो कौन सी आइन के पाबंद हैं, मैंने कौन सा कसूर किया अगर मैं असेंबली में गवर्नमेंट में उस वक्त शामिल हुआ, वो तो बिल्कुल 3 महीने की बात थी। कोई मैंडेट न मिला था, न लिया गया था, न मांगा गया था, सिर्फ इलेक्शन ही करानी थी। रात गए, उन्होंने खुदा हाफिज कहा।